सलामुअलैकुम। तो आज जिस फिल्म का रिव्यू हम लाए हैं, यह साल 1969 की 110 नंबर पर पेश की जाने वाली फिल्म थी और इस फिल्म का नाम था आंच। महबूब पिक्चर्स के बैनर तले तैयार और रिलीज की जाने वाली इस फिल्म के सरमायाकार मोहम्मद आर खान थे, जिसकी कहानी बानो कुदसिया ने लिखी। फिल्म के हिदायतकार एन के जैदी थे। अक्सबंदी का काम बाबर बिलाल ने मुकम्मल किया। उर्दू जुबान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई। अदाकारों के बारे में बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुँचे। इस फिल्म में कौन कौन से अदाकार शामिल थे, आइए देखते हैं। फिल्म के नुमाया अदाकारों में मोहम्मद अली, शमीम आरा, रेहाना सिद्दीकी, असलम परवेज, लहरी, कवि, नजमुल हसन, सलमा मुमताज़, रजनी, रजिया, मीना चौधरी, एजाज अख्तर और फोमी शामिल थे। इस फिल्म की मौसीकी में कौन कौन से नाम शामिल थे, किन गुलकारों ने इस फिल्म के गीत गाए, किस शायर ने उन गीतों की शायरी की और किस मौसीकार ने उन गीतों की धुनें तरतीब दी, आइए देखते हैं। मैडम नूर जहां, नसीम बेगम, आयरन परवीन, नजमा नियाजी, निघत सिराज और अहमद रुश्दी के गाए गानों की शायरी कतील शिफाई ने की, जिनकी मौसीकी खलील अहमद ने तरतीब दी। इनमें मैडम नूर जहां ने दो और नसीम बेगम ने दो सोलो गीत गाए, जबकि अहमद रुश्दी और आयरन परवीन ने एक, नजमा नियाजी और निगत सराज ने एक दो गाना गाया। नाजरीन, वैसे इस फिल्म के गुलकारों और मौसीकार से ये अंदाज़ा होता है कि यह फिल्म कराची में तैयार की गई। अगर आपको इस बारे में इल्म हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस फिल्म के गाने कौन से थे, किस गुलकार ने कौन सा गाना गाया और ये गीत किस अदाकार या अदाकारा पर फिल्माए गए, आइए देखते हैं। छह गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मैडम नूर जहां के ऐ मुसव्विर तेरी तस्वीर अधूरी है अभी, ये गीत अदाकारा शमीमारा पर पिक्चराइज किया गया। तरस ना जाए कहीं मंजिले वफा के लिए, ये गीत भी अदाकारा शमीमारा पर अक्सबंद हुआ। नसीम बेगम के अरे जालिम अरे दिल लेने वाले मुझे तो आजमा ले, ये गीत अदाकारा मीना चौधरी पर फिल्माया गया। अरे जालिम अरे दिल लेने वाले मुझे तो आजमा ले। छुप छुप के जमाने से क्यों प्यार किया जाए, ये गीत भी अदाकारा मीना चौधरी पर शूट हुआ। अहमद रुश्दी और आयरन परवीन का रुक जा रुक जा रुक जा री छोड़ के मुझको मत जा री, ये गीत अदाकार लहरी और अदाकारा रजिया पर पिक्चराइज किया गया। रुक जा रुक जा रुक जा री छोड़ के मुझको मत जा री, रुक जा रुक जा रुक जा री छोड़ के मुझको मत जा री। नजमा नियाजी और निघत सिराज का सुनरी सहेली बन्नो अलबेली पिया घर जाना पड़ेगा तुझको, ये गीत अदाकारा रेहाना सिद्दीकी और साथी अदाकाराओं पर फिल्माया गया।
नाजरीन ये फिल्म 11 दिसंबर 1969 बरोज जुमेरात को ईद उल फित्र के मौका पर नुमाइश के लिए पेश हुई। कराची में इसे कोहेनूर, बम्बीनो, लाइट हाउस, फिल्मिस्तान, नेरंग, लिबर्टी, नगीना, शमा, गुलजार, मेहर, मसूद, हैदराबाद के ईलाइट, कोहेनूर, लतीफाबाद के शाहीन और लाहौर के नगीना सिनेमा में इसे रिलीज़ किया गया। इस फिल्म ने मेन सिनेमाओं में 23 हफ्ते गुजारे, लेकिन सर्किट के बकिया सिनेमाओं में इस फिल्म का दौरानिया 5 से 12 हफ्ते का था। इसी बिना पर इस फिल्म को साल की 19वीं औसत फिल्म करार दिया गया। आप हैरान होंगे कि मैंने पिछली औसत फिल्म का 17वां नंबर बताया था, तो 18वीं कहाँ गई? 18वीं जनाब इससे आगे आएगी, जिसका जिक्र हम उसके साथ ही करेंगे। तो ये था फिल्म आंच का एक मुख्तसर रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ गुलफाम को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।